दरगाह जो है रोड बनने के वक्त जो है यहाँ से जो है इस दरगाह को उठाने वाले थे रोड बनाने के लिए। तो मामा ने जो है, मामा ने कहा है हमको, क्या कहा है चलो मामा से पूछते हैं। तो मामा हाँ, तो रोड बनते वक्त दरगाह यहाँ से उठाने वाले थे, तो आपने क्या कहा उनको? तो नाजरीन देख सकते हैं कि मामा ने कहा है कि रोड बनते वक्त जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट वाले दरगाह को उठाने वाले थे, और मामा ने कहा है कि दरगाह अजीबाद यहाँ से उठने वाली नहीं है, अगर दरगाह उठानी है तो मेरे खेत के अंदर इस दरगाह को आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल टूरिंग विद मतीन पर। तो आ गए एक और नई वीडियो लेकर। तो नाजरीन हमें जो है हमारी यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर ने जो है हमसे कहा था कि पोखरनी में दरगाह है, वहाँ पर जाके जो है अब हमें दरगाह की ज़ियारत कराइए। तो चलिए चलते हैं पोखरनी और जाकर देखते हैं वहाँ पर कौन सी दरगाह है। नाजरीन हम जो है पोखरनी में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हम ये खाने से पूछेंगे कि दरगाह कहाँ पर है, तो एड्रेस जो है हमें भी पता नहीं है, तो चलिए पूछते हैं एड्रेस और दरगाह की तरफ बढ़ते हैं। ये दरगाह है, पांच पीरों की दरगाह ही है, माशाल्लाह काफी खूबसूरत दरगाह है, और हाईवे पे रोड टच जो है ये दरगाह है। और यहाँ पर जो है इस गांव के यहाँ पर जो भी आसपास में जो गांव है यहाँ पर जो है काफी सारे नियाजा वगैरह लेकर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर लेकर आते हैं, और अपनी मन्नतें मुरादें हाजतें जो है यहाँ सर यहाँ पर आकर जो है वो उनकी पूरी होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़े बहुत यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नारियल भी फोड़े हुए हैं। ये नारियल दिखाइए भाई आपके पीछे एकदम। हमारे आने से पहले यहाँ पर कि नहीं काफी सारे लोग यहाँ पर आकर जा चुके हैं और हम जो है थोड़ा यहाँ पर लेट हो चुके हैं। तो काफी खूबसूरत नजारा है नाजरीन, देख सकते हैं ये पीछे मेरे जो है रोड है, हाईवे रोड है, हाईवे रोड को टच यहाँ पर जो है ये दरगाह है, माशाल्लाह काफी खूबसूरत दरगाह है ये। क्या ये दरगाह की ज़ियारत आपने पहले कभी की है? अगर आपने की है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। जो है पोखरनी में आए थे दरगाह की ज़ियारत करने के लिए, और जो है पोखरनी में जो है हमको दरगाह तो नहीं मिली क्योंकि तो हमें पक्का एड्रेस नहीं पता था, तो हम पोखरनी के थोड़ा आगे आ गए, और आगे आने के बाद भी जो है दरगाह कहाँ है कहाँ नहीं हमको तो पता नहीं था, हम कहीं और जाने वाले थे, मगर ये भाई जो है भाई ने हमको बताया है कि भाई यहाँ पर एक दरगाह है, आप यहाँ पर जाइए। हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये भाई से पूछते हैं, भाई क्या आप इसी गांव के हो? हाँ इसी गांव के। यस गांव से तुम्हें? ओ यस गांव से। ये बैंक वाला तुम्हें ये तब का? हाँ ये तो नतरा भरती ना। नतरा भरती जी। तुम नतरा लेता? हाँ। सगड़ा गांव ये थे? सगड़ा गांव ये थे। देख सकते हैं आप कि काफी खूबसूरत दरगाह है ये। भाई आपको ये बताइए तुमका नाव का है? विठल कोटंबे कोटंबे हिंदेवाड़ी, ये रहने वाले हिंदेवाड़ी के यहाँ पर एक गांव है, ये यहीं पर रहते हैं। इन्होंने जो है हमको रास्ता बताया है, दरगाह दिखाई है, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत दरगाह है और बहुत माशाल्लाह अच्छी दरगाह है ये, मेन रोड के ऊपर दरगाह है ये। क्या आपने ये दरगाह देखी है? अगर आपने देखी है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो नाजरीन हम जो है दरगाह का वीडियो शूट करने के बाद यहाँ से वापस जाने वाले थे, मगर यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर एक खेत है,
ये खेत के मालक जो है हमको रुकाया है और हमसे कहने लगे कि ये दरगाह जो है रोड बनने के वक्त जो है यहाँ से जो है इस दरगाह को उठाने वाले थे रोड बनाने के लिए। तो मामा ने जो है मामा ने कहा है हमको, क्या कहा है चलो मामा से पूछते हैं। तो मामा हाँ, तो रोड बनते वक्त दरगाह यहाँ से उठाने वाले थे, तो आपने क्या कहा उनको? तो नाजरीन देख सकते हैं कि मामा ने कहा है कि रोड बनते वक्त जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट वाले दरगाह को उठाने वाले थे, और मामा ने कहा है कि दरगाह अजीबाद यहाँ से उठने वाली नहीं है, अगर दरगाह उठानी है तो मेरे खेत के अंदर इस दरगाह को आप लगाइए, सही सलामत जो है दरगाह को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कीजिए। मगर लोगों ने जो है बाद में सब लोगों यहाँ पे आने के बाद जो है तो मामला जो है जिधर का उधर रफा दफा हो गया, दरगाह जो है जहाँ थी वहीं पर है और वहीं पर रहेगी, है ना मामा? और मामा जो है यहाँ पर मामा का खेत है माशाल्लाह, मामा जो है बहुत अच्छे इंसान है, मामा यहाँ पर जो है दरगाह की हिफाजत भी करते है, और यहाँ पर जो है खादिम साहब भी है, मगर खादिम साहब मेरे ख्याल से गाँव के अंदर होंगे, तो वो कहाँ है कैसे है पता नहीं। तो मामा आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो हमको हमारे नाज़रीन को जो है आपका नाम बता दीजिए आप। कारबारी रंगनाथ बाजार इनका ये नाम है। मामा बहुत बहुत शुक्रिया मामा, आपने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपने जो है सरकार की पांच पी रहे नहीं है बहुत देता है हमारे। अच्छा इन्हें जो है सरकार जो है इनको यहाँ पर जो है बहुत देते है, माल से माला माल करते है। तो चलिए नाजरीन अब जो है हम जाकर देखते हैं पोखरनी में फिर से एक बार कि वहां पर कौन सी दरगाह है। तो नाज़रीन आखिरकार जो है हमें पोखरनी की दरगाह मिली चुकी है, तो देख सकते हैं आप ये रास्ता जो है सीधा हमें दरगाह की तरफ लेकर जाएगा, तो चलिए चलते हैं दरगाह की तरफ। तो नाज़रीन हम जो है पोखरनी की दरगाह के पास आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है ये पोखरनी की दरगाह है, और इस दरगाह की जानकारी हम जो है लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ के खादिम साहब से मिलने की हम कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे, देखते हैं फिलहाल तो भी यहाँ पर खादिम साहब दिख नहीं रहे हैं, और खादिम साहब से हम जो है मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। जब तक के लिए आप जो है दरगाह का वीडियो चारों तरफ से आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? मोहसिन भाई ये दरगाह जो है यहाँ पर कितने सालों से? बहुत सालों से दरगाह है यहाँ पर। तुम कहाँ रहते? यहाँ से रहते। तुम आते दरगाह पे? माशाल्लाह पूरे गांव के पूरे लोग आते। अच्छा इनका नाम क्या है, दरगाह का नाम क्या है? सखलाजी बाबा। अच्छा तो नाज़रीन इस दरगाह का नाम सखलाजी बाबा है, और काफ़ी पुरानी दरगाह है ये, पूरे गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, नारे वगैरह फोड़ते हैं, अपने मन्नतें मुरादें करते हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और हमें जो है हमारे YouTube फैमिली के एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा था कि भाई पोखरनी में जाइए, वहाँ पर एक दरगाह है, खूबसूरत सी दरगाह है, उसकी हमें ज़ियारत कराइए। तो हम उनके एक कॉमेंट पर जो है परभनी से यहाँ पर आए हैं, और इस दरगाह की जो हमने भी ज़ियारत की है, और आपको भी इसकी ज़ियारत कराइए। दरगाह पर आने के बाद जो है हमें यहाँ पर बहुत सुकून मिला, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत दरगाह है, और आप तो इन्हें जानते ही, हमारे रफीदीन भाई हमारे खास अजीज़ दोस्त जो आपके अपनी जेब का पैसा खर्चा करके हमारे साथ आते हैं चैनल पर हमारे वीडियो बनाने के लिए। तो रफीदीन भाई आपको कैसा लगता है हमारे साथ अगर आप आते हो? आप हमारे जिगरी दोस्त हैं, बहुत खुशी होती है हमारे, अच्छा लगता है आपके साथ घूमने में, माशाल्लाह मज़ा भी आता और एक तो तवाब भी हो जाता। माशाल्लाह तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए कि आप दरगाह पे जाने के बाद आपको दिल को कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है, हम बैठते हैं वहाँ पे गुरु शरीफ पढ़ते हैं और बस सकते हो। माशाल्लाह। तो नाज़रीन निगरामी आप भी जो है दरगाह पे जाया करिए, वहाँ पर जो है दुरुस्त पाकी भेजा करिए, दरगाह पे जाना कोई गुनाह नहीं है, बस दरगाह पे आप आइए, ज़ियारत कीजिए, दुरुस्त पाकी कीजिए, उल्टा आपको सवाब जारिया मिलेगा। तो ऐसे ही दरगाह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल टूरिंग विद मतीन पर बने रहे, अगर ऐसे ही कोई प्लेस आपके जहन में है तो हमें कॉमेंट में बताइएगा, हम इसको शूट करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।